ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 22B का पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं ना, उनको आपको डिटेल में समझा देंगे। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, खास करके जो मैंने इस चैप्टर का इंट्रो वाला वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो, तो आप जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो का यहाँ पर यूज़ आने वाला है। वहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है ना, वो प्लस माइनस क्यू होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, वो प्लस प्लस होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है ये, तो इसमें आप देखोगे जो ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये एरिया थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो प्लस प्लस होता है, सेकंड वाला माइनस एंड प्लस होता है, थर्ड वाला माइनस माइनस, और फोर्थ वाला प्लस एंड माइनस होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्यों होता है, ये भी मैंने आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा दिया था, तो उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। उसके अलावा जो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है ना, इधर के जो क्वेश्चन है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 22A का, उसी में से कुछ उठा करके दे दिया है, यानी कि वहां पर जो मैंने आपको समझाया था ना, वो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेना, फिल इन द ब्लैंक वाला, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट डज द पॉइंट P36 लाई, यानी कि ये जो 3 और 6 है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो बस आप उनको उनके साइन देखने हैं, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों जब प्लस होते हैं तो वो कौन सा क्वाड्रेंट का रहता है, वो हमारा फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट रहता है। तो ये सिंपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1, यानी कि 1 का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? आपको फिर से मैं दिखा दूँ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वही हमारा प्लस और प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो माइनस और माइनस होता है, ठीक है। क्यों होता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखो इस साइड वाला हमारा प्लस होता है, ये वाला जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो प्लस होती है, वाई एक्सिस भी हमारी प्लस होती है, इधर एक्स डैश जो होता है वो माइनस में जाता है, नीचे वाई डैश जो होता है वो माइनस में जाता है। तो इधर वाला जो एरिया है इसमें एक्स हमारा प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा गया, वाई भी प्लस है तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा गया। ये वाला एरिया जो है ये माइनस और प्लस क्यों आता है, क्योंकि एक्स वाला इसमें माइनस है तो यहाँ पर पहले माइनस लिखेंगे, और वाई वाला जो है इसमें प्लस है तो ये प्लस लिखा जाता है, यानी कि माइनस और प्लस की वजह से ही ये एरिया जो सेकेंड वाला क्वाड्रेंट हमारा वो माइनस प्लस कहलाता है, ठीक है। थर्ड वाला जो क्वाड्रेंट हमारा ये वाला, ये दोनों माइनस क्यों होते हैं, तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है हमारा वो भी माइनस में है, एक्स डैश आ रहा है ना, यानी कि ये भी हमारा पूरा माइनस में आएगा, और इधर भी हमारा क्या है वाई डैश, ये भी पूरा माइनस का माइनस ही है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं माइनस और माइनस, यानी इस एरिया में जो भी पॉइंट बनेंगे वो माइनस वाले ही बनेंगे, यानी दोनों अगर माइनस हैं तो वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में बनेंगे। फोर्थ वाला क्वाड्रेंट प्लस और माइनस क्यों होता है, इससे ये तो माइनस प्लस था तो ये प्लस और माइनस क्यों होता है, इसको हम लोग माइनस प्लस क्यों नहीं लिख सकते। तो देखो इसका वजह यह है कि पहला वाला जो हम लोग नंबर लिखते हैं वो हमेशा एक्स का लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, और जो दूसरा नंबर होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है, सॉरी क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, ऑर्डिनेट कहलाता है, जिसको हम लोग वाई ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर हमारा जो एक्स वाला है ये क्या है प्लस में है, इस साइड जा रहा है ना, राइट साइड में सिंपल एक्स है हमारा, तो ये क्या होगा प्लस वाला होगा, और वाई जो है वो क्या है वाई डैश वाला है, यानी कि ये माइनस वाला है, तो एक्स प्लस है इसलिए यहाँ पर पहले प्लस लिखा गया, और वाई माइनस है इसलिए बाद में माइनस वाई लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्स जो माइनस में था इसलिए पहले माइनस लिखा गया, और वाई इस बार प्लस में था इसलिए वाई को प्लस में लिखा गया, तो पहले एक्स वाला ही लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। तो ये वजहें हैं जिसकी वजह से ये हमारा प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस और प्लस माइनस होते हैं। तो अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अब इतना आपने समझ लिया, तो ये देखो क्वेश्चन सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा कि ये हमारा -7 और -1 कहां पर रहेंगे, तो दोनों निगेटिव है तो जाहिर सी बात है वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में रहेंगे, पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव है, तो ये हमारा लास्ट का जो क्वाड्रेंट होता है उसमें होता है, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में होता है। अभी मैंने आपको यहां पर नीचे में समझा दिया कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में पहला जो नंबर होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा जो होगा नेगेटिव होगा, अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये वाले क्वाड्रेंट में, यहां पर पहला नेगेटिव होता है और दूसरा क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो पहला नंबर हमारा नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो ये कहां पर होगा, ये हमारा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, यानी कि जो एब्सिसा होता है किसी भी पॉइंट का, एब्सिसा किसको बोलते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है इन सभी नंबर को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो होगा वो किसी एक्स एक्स ओरिजिन से वो क्या, मतलब वो किस चीज को शो करेगा, वो ओरिजिन से डिस्टेंस को शो करेगा, एक्स एक्सिस से शो करेगा या वाई एक्सिस से शो करेगा। तो मैंने आपको इसको एकदम डिटेल में देखो यहीं पर समझाया था, अभी फिल इन द ब्लैंक में कहां गया ये वाले पॉइंट्स, मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया इस चीज को कि देखो ये जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है ये वाला 5, तो मैंने 5.2 आपको दिखाया भी था कि 5.2 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जो हमारा 5 होगा वो किससे दूरी को शो करेगा, तो वो हमारे वाई एक्सिस से दूरी को शो करेगा, यानी कि वाई एक्सिस जो हमारा है ना उसका डिस्टेंस कितना है उस वाले पॉइंट से, ये हमारा
फर्स्ट वाला नंबर शो करता है जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, सेकेंड वाला नंबर को ऑर्डिनेट कहते हैं वाई एक्सिस का, ये किसी से दूरी शो करता है तो ये हमारे एक्स एक्सिस से दूरी को शो करता है, यानी कि ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। पहला वाला नंबर हमारा एप्सिसा कहलाएगा तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस को शो करेगा, और दूसरा वाला जो नंबर है ये जो हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है ये हमारे एक्स एक्सिस से दूरी को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन होगा कि जो एप्सिसा है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो किससे दूरी को शो करेगा, तो वो हमारे एक्स एक्सिस से दूरी को शो करता है, यानी कि डिस्टेंस जो हमारा जहाँ पर पॉइंट बन रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है ये हमें कौन बताता है, वो हमें एप्सिसा बताता है। ठीक है, अगला जो है कि द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू ए, यानी कि वाई जो है वो एप्सिसा के इक्वल है, तो ये ग्राफ कैसा शो करेगा, तो ये एक्स एक्सिस को शो करेगा, वाई एक्सिस को शो करेगा, या फिर ये पैरेलल लाइन यानी कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कहाँ पर ग्राफ पेपर में बता दूँ, मान लो कि इसी किसी भी ग्राफ में हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये मान लो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे देखो ये हमारा एक्स में हमारे पास कितना है 5 ले लेते हैं, या फिर सबसे बड़ा नंबर 7 ले लेते हैं एकदम साइड में ताकि इधर हमारा बने, तो x में हमारा 7 है और y में भी हम ले लेते हैं 7, ठीक है, यानी कि यहाँ x की तरफ से 7 आ गया और y की तरफ से 7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, देखो क्योंकि ये सीधाई y की तरफ से यहाँ पर है, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 7 और 7 बनेगा, तो यहाँ जो हमारा y है वो क्या है, ए के इक्वल है, ए यानी कि एप्सिसा के, तो ये जो होगा हमारा जो लाइन बनेगा अब ना इस तरीके से, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको लाइन बनाऊँ तो ये क्या बनेगा हमारा एकदम सीधा लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा, किसके पैरेलल है, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समझ में आ रहा है ना, ये सीधी लाइन जो बनी वो कौन से लाइन के पैरेलल है, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बस यहाँ पर यही हो जाएगा कि अगर हमारा वाई इक्वल टू ए है, यानी कि वाई और ए दोनों क्या है, बराबर है, एप्सिसा और वाई जो ऑर्डिनेट हमारा, अगर दोनों आपस में इक्वल है तो जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस के, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि ये जो हमें इक्वेशन दिए गए हैं ना, इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो बता रहा है हमें कि जो पॉइंट्स वो y एक्सिस में है। तो देखो मैंने आपको यहां पर पहले भी समझाया फिल इन द ब्लैंक में, फिर से यहीं पर समझा दे रहा हूं मैं कि जब कभी भी हमारा कोई भी पॉइंट y एक्सिस में होता है, जैसे कि ये 5 है, ठीक है, तो उसका जो x होता है ना वो 0 रहता है, तभी हमारा वो पॉइंट y में आएगा, समझ आ रहा है बात ना, जैसे कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो x में हम 0 ले लेते हैं और y में 3 ले लेते हैं, ठीक है, 0 और 3 ले लिया हमने, तो अब ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, तो x की तरफ हमको एक कदम भी नहीं बढ़ना है, x में 0 में ही रहना है, y की तरफ हमको 3 कदम बढ़ाना है, यानी कि y में हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो 0 और 3 जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस इलाके में आ जाएगा। ठीक, तो अब ये कहाँ पर आ गया, हमारा वाई में आ गया ना, इसका मतलब कि जो एक्स था वो क्या था, यहाँ पर 0 था, यानी कि जब कभी भी अगर कोई भी पॉइंट वाई में आ रहा है सीधी लाइन पे, वाई एक्सिस में आ रहा है, इसका साफ मतलब यही है कि वो क्या है, एक्स उसका 0 है। इसको मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया था, यहां पर भी समझाया था कि कोई पॉइंट अगर y में लाइंग हो रहा है, लिंग हो रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, x उसका 0 होगा, x एक्सिस में वो एकदम 0 रहेगा, तभी वो y में लिंग होगा, y में वो पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही इसका आंसर हो जाएगा कि अगर कोई इक्वेशन है, यानी कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो बता रहा है कि जो हमारे पॉइंट है वो y एक्सिस में है, तो सिंपल है कि x अगर हमारे पास 0 रहेगा तब y एक्सिस में वो हमारे इक्वेशन होंगे, वो जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो y एक्सिस में होंगे, तो x इक्वल टू अगर 0 है तब वो y में होगा। तो इस तरीके से आपको तो मैंने डिटेल में समझा दिया एक्सरसाइज 22 भी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 23 उसको भी हम डिटेल में समझेंगे, और उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, मालूम अगर नहीं दे पाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का देने का ऑप्शन नहीं रहता है ना, तो अगर मालूम नहीं दे पाता नेक्स्ट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो हमसे कमेंट बॉक्स में ले लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।